in human being, में बच्चा टीथ कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट में हमने कर लिया था, दैट इज फोर टाइप्स ऑफ टीथ ये हम लोगों ने कर लिया था कि भाई हेट्रोडोंट है, और उसमें भी हमने कर दिया था इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये हो गए हेट्रो। उसके बाद में ह्यूमन टीथ है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब टू सेट ऑफ टीथ में वन इज द मिल्क टीथ, जिन्हें डेसिड्यूस टीथ कहा जाता है। डेसिड्यूस मतलब कि जो फॉल हो सकते हैं, गिर जाते हैं, और दूसरे परमानेंट टीथ। ये कर लिया था बच्चा मिल्क टीथ का, जो हमने डेंटल फॉर्मूला लिया था वो लिया था 212 upon 2 into 2 = 20, और परमानेंट टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला लिया था 2123 into 2 = 32। और एक चीज जो इसमें याद रखने की है बात इंपॉर्टेंट, कि परमानेंट सॉरी मिल्क टीथ के अंदर प्री मोलर्स आर एब्सेंट, ये याद रखें कि मिल्क टीथ में प्री मोलर्स क्या होते हैं बच्चा, एब्सेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखें। तीसरी चीज जो बताई थी कि ह्यूमन टीथ थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट का मतलब होता है इट इज एम्बेडेड इन द, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ, अंदर धसा हुआ, एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ, यानी हमारे जो जॉ होते हैं, नीचे वाले जॉ को मैंडिबल, अपर जॉ को मैक्सिला, उनके अंदर सॉकेट्स होते हैं और उसमें वो धस जाता है। जैसे अगर ये हमें देखा होगा आपने घरों में, आजकल कील अगर ठोकते हैं, कील लगानी है दीवार में, तो पहले एक उसके अंदर ड्रिलिंग मशीन से छेद करते हैं, फिर प्लास्टिक का डालते हैं, और फिर उसमें वो कील लगाते हैं, जिससे कि कील देखिए निकले भी। तो ये हो गया बच्चा हेट्रोडोंट, डायफायोडोंट और थीकोडोंट, ये ह्यूमन टीथ है, ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके करेंगे कि और डिफरेंट एनिमल्स में और किस किस तरह के टीथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं को लेके चलेंगे बच्चा। मैं इधर से ये रब कर देती हूँ, कुछ एनिमल्स में हेट्रोडोंट की जगह होमोडोंट टीथ किसे कहते हैं? सारे दांत क्या है बेटा? सिमिलर है, उनमें कोई अलग अलग शेप नहीं है। तो ये यूजुअली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये यूजुअली फिश और फ्रॉग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी एम्फीबियंस और पाइसेस उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन एक चीज याद रखना, ब्यूफो यानी टोड जो ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि अपने स्कूल में दे सकते हैं। टोड में एक स्पीशीज होती है बेटा ब्यूफो, और एक होता है पीपा। पीपा और ब्यूफो ये दोनों एम्फीबियन ऐसे हैं जिनके पास टीथ ही नहीं होते, नहीं तो फिशेस से यानी कॉर्डेट हम कहते हैं वर्टिब्रेट से सब में टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट बर्ड्स। बर्ड्स में टीथ नहीं होते, और ये ब्यूफो और पीपा जो दोनों टोड हैं, टोड अलग चीज होती है, होते फ्रॉग जैसे ही है लेकिन थोड़े डिफरेंट होते। ठीक है,
तो उनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते। तो मैम टोडे कैटेगरी है, कैटेगरी नहीं है बच्चा, ये जीनस के डिफरेंट जीनस में आ जाता है टोड। ठीक है, टोड डिफरेंट जीनस में आ जाता है, एम्फीबियंस में ही आता है लेकिन उसका जीनस आके चेंज हो जाता है। तो ये आ जाते हैं होमोडोंट। तो होमोडोंट यानी सारे टीथ सिमिलर है। तो एग्जांपल आ गया फिश और फ्रॉग, ये डायफायोडोंट थे। तो डायफायोडोंट के अलावा हमने तो पढ़ा था ह्यूमन बींग में कुछ टीथ मोनोफायोडोंट होते हैं। कुछ टीथ कैसे होते हैं बच्चा? मोनोफायोडोंट होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। देर आर टोटल 12 टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग विच आर मोनोफायोडोंट, और वो आपको याद रहने चाहिए। सारे प्रीमोलर का कितने प्रीमोलर होते हैं? 2, 2, 4, 2 और 2, 4, टोटल 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, लास्ट मोलर, चारों लास्ट। मैंने और बार बता दो बच्चा, हमारी बॉडी में या सॉरी हमारी बकल कैविटी में जो प्रीमोलर है वो मोनोफायोडोंट है, और एक लास्ट मोलर्स हैं वो भी मोनोफायोडोंट। इसको याद रखने के लिए हम एक फोटोग्राफ बना सकते हैं, याद रखने के लिए हम एक फोटोग्राफ बना सकते हैं। क्या फोटोग्राफ बना सकते हैं, मतलब क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लिख लो बेबी और यहाँ पे लिख लो एडल्ट। ठीक है, अब बेबी में आप लिख लो यहाँ पे इंसाइजर, ये दो इंसाइजर आई आई, फिर यहाँ पे लिख लो कैनाइन का सी, फिर यहाँ पे लिख लो मोलर मोलर। ऐसे ही इधर के में भी जाएगा बच्चा, ये दो इंसाइजर कैनाइन को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे और मोलर को थोड़ा चौड़ा बना देते हैं। ये अपर जॉ का हो गया, सेम टू सेम लोअर जॉ का हो गया। तो ये सारे टीथ तो डायफायोडोंट है, ये सारे टीथ तो कैसे हैं? डायफायोडोंट, सारे के सारे शेड होंगे, सारे के सारे वापस आएंगे। तो ये टोटल अपर जॉ में 10 हो गए ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 अपर जॉ में हो गए। ऐसे कैसे 10 किसमें प्रेजेंट होंगे? लोअर जॉ में। तो ये सारे तो क्या हो गए बच्चा? डायफायोडोंट। अब अगर अपन एडल्ट में बनाते हैं इसी तरह का डायग्राम, तो एडल्ट में दो इंसाइजर आई आई, एक कैनाइन, फिर उसके बाद में दो प्रीमोलर पीएम पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर बाद में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाद में आते हैं, बच्चों में तो आते ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में 1 मोलर, 2 मोलर और 3 मोलर, तो ये एक एक मोलर होगा। मैम आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जहां से जितने टाइम पे ब्लर आती है तो वो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। हाँ विनीत मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जनरेशन मैम कई टीथ मैम यूज नहीं होते हैं, जैसे कैनाइन वगैरह, तो मैम वो एवोल्यूशन के चलते मैम हो सकते हैं? नहीं बेटा, देखो हमारे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर तो सभी टीथ जो है वो यूज हो रहे हैं, सभी टीथ यूज हो रहे हैं। हाँ ये एक अलग चीज है कि हम लोगों को टीयरिंग की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कई फ्रूट कई चीजें ऐसे खाते हैं जिसमें हमें टीयर करना पड़ता है। जैसे अगर अपन गाजर खाते हैं, गाजर आपने साबुत ले ली है या मूली आपने साबुत ले ली है, तो कोई भी गाजर या मूली को ऐसे करके नहीं खाता, हम ऐसे करके खाते हैं, यानी कि यहाँ से टीयर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने को अगर अपन छीलते हैं तो यूं करके बहुत कम लोग छीलते हैं, नहीं छीलते क्योंकि ये उतने स्ट्रांग नहीं है। गन्ने को हम ये वाला जो कैनाइन है उससे छीलते हैं। ठीक है, तो वैसे ये बोला जाता है कि जब इवोल्यूशन में हम लोगों के टीथ का साइज स्मॉल होता जा रहा है क्योंकि हम लोग सॉफ्टर फूड खा रहे,
यूज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर रहे, यूज कर रहे, लेकिन वी आर गेटिंग सॉफ्टर फूड, कुक्ड फूड खा रहे, पका हुआ खाना खा रहे, तो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट होने की वजह से उनका साइज स्मॉल होता जा रहा है एज कंपेरिजन टू आर एंसेस्टर्स, जो हमारे बहुत पहले के एंसेस्टर्स थे उनके टूथ का साइज बिगर था, ठीक है, तो वो इवोल्यूशन में स्मॉल होता जा रहा है। अच्छा ये हो गया बच्चा, ऐसे ही ये यहाँ पे दो इंसाइजर, फिर एक कैनाइन, दो प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, दो प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रीमोलर, प्रीमोलर, फिर ये तीन मोलर, ओके। तो अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनका नंबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 to 30। आप लोग यहाँ पे लिख लो, ये और ये प्राइम मिनिस्टर का एमपी कर दो, प्राइम मिनिस्टर का उल्टा पीएम, एमपी, एमपी मतलब मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट के लिए एम और फायोडोंट के लिए पी, याद रहेगा कि प्रीमोलर मोनोफायोडोंट है, यानी लाइफ में केवल एक बार, ठीक है। और ये जो लास्ट मोलर है ये तो सबको ही पता है, जिन्हें हम अकलदाड़ कहते हैं, अकलजाड़ कहते हैं, लास्ट मोलर, ये भी मोनोफायोडोंट है, तो ये भी एमपी है। तो टोटल एमपी कितने हो गए बच्चा, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 हो गए टोटल, ऊपर वाले जॉ में, नीचे वाले जॉ में भी 6, टोटल हो गए बच्चा 12। तो 12 टीथ हम लोगों में मोनोफायोडोंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चा ये सबको? यस मैम। ओके, तो हम यहाँ पे मैम ये वाले मैम ये वाले प्रीमोलर भी होते हैं, साइड वाले ये वाले, ये हाँ सभी प्रीमोलर, जितने भी प्रीमोलर है वो लाइफ में एक ही बार आते हैं, चाहे ऊपर के हैं चाहे नीचे के, सब एक ही बार आएंगे। ये भी एमपी है, ये भी एमपी, सब एमपी है, अपर जॉ के भी एमपी है मोनोफायोडोंट है, लोअर जॉ के भी एमपी है मोनोफायोडोंट। मैम जो टीथ यूज नहीं होते हम उन्हें वेस्टिजियल कह सकते हैं? नहीं बच्चा, उन्हें वेस्टिजियल नहीं कह सकते। देखो वेस्टिजियल का वर्ड जो होता है वो एक अलग चीज है, वेस्टिजियल का मीनिंग होता है दोज ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन अवर एंसेस्टर बट नाउ दे बिकम नॉन फंक्शनल। हाँ अगर आप इसका लास्ट मोलर की बात कर रहे हो तो यस, लास्ट मोलर हम लोग कंसीडर करते हैं कि लास्ट मोलर इज अ वेस्टिजियल टीथ, यानी हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है, क्योंकि हमें चबाने के लिए खाने को बहुत पीछे तक ले जाने की जरूरत नहीं होती, और यूजुअली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर लास्ट मोलर आता है तो हमें उसे निकलवा लेना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बच्चा? टीथ लिविंग होते हैं? हाँ बच्चा टीथ लिविंग होते हैं, बिल्कुल लिविंग है बेटा, जब किसी दिन कैविटीज होएगी ना और फिर जो सेंसिटिविटी होएगी ना तब पता चलेगा कि कितने लिविंग होते हैं, बिल्कुल लिविंग होते हैं बेटा। अभी बताऊंगी इसका डायग्राम ड्रॉ कर, इसका स्ट्रक्चर करेंगे ना, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा आप लोगों ने सबने? यस मैम। ओके यस मैम। अच्छा तो खैर ये तो डायफायोडोंट और मोनोडोंट था, एक और कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज पॉलीफायोडोंट। पॉली मतलब मैनी, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेट ऑफ टूथ, कंप्लीट सेट ऑफ टूथ मैनी टाइम्स आ जाए लाइफ में, कि दांत गिरे और फिर नए दांत आ जाए, गिर जाएंगे, ऐसे नहीं कि अभी जैसे हम लोगों में क्या होता है कि 6 साल के बाद में टीथ फॉल होने लगता है, उनमें ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यूजुअली फिश में और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जब वो शिकार को पकड़ते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, शिकार को पकड़ा उन तो बहुत फोर्स से पकड़ना पड़ता है, शिकार भी अपने आप को बचने की कोशिश करता है, तो उनके टूथ जो होते हैं निकल जाते हैं, है ना,
जब निकल जाते हैं तो नया टूथ आ जाता है उसकी जगह। तो लाइफ में कितनी भी बार अगर टूथ आ जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीफायोडोंट। ठीक है बच्चा, तो ये तो हो गए एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा। नीट में रेयरली आएगा लेकिन अपने स्कूल के में आ सकता है, और ये हो गया हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने कहा कि हम ह्यूमन के दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। तो थीकोडोंट से रिलेटेड कि हाउ द टूथ इज एम्बेडेड, दो और हम लोग उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर करेंगे कि दो और टाइप के टूथ होते हैं। एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एक होता है बच्चा प्लूरोडोंट और एक है एक्रोडोंट। प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट क्या डिफरेंस है, मैं तीनों का डायग्राम ड्रॉ करूंगी। ये सपोज मैं जॉ बोन बना रही, ये जॉ बोन है, तीनों के अंदर जॉ बोन, ये तीनों में जॉ है। अब इसके जॉ में क्या होता है, थीकोडोंट में यहाँ पे सॉकेट्स प्रेजेंट है, सॉकेट मतलब गड्ढा, और इस गड्ढे में टूथ प्रेजेंट है। तो द टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, इसको कहा जाएगा थीकोडोंट। ओके बच्चा, प्लूरोडोंट में क्या होगा कि जैसे अगर मान लो ये एक गम है और गम इस तरह का है, ये गम्स, मैंने गम्स बनाया है, ये ऊपर वाला गम बनाया है, हड्डी तो ये अंदर है, जॉ तो अंदर है, ये इसके ऊपर गम है। गम्स मतलब ये जो हमारे गम्स होते हैं जिसको मसूड़े कहते हैं, उस मसूड़े में अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ ये अटैच है टूथ इस तरह से, तो इसको कहा जाता है प्लूरोडोंट। जबकि एक्रोडोंट में गम है बच्चा ये, और गम के ऊपर सीधा बस ऐसे फिक्स कर रखा है, हल्का सा, हल्का सा ऊपर से फिक्स है। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई चीज है, यहाँ पे मैं गम लगाऊं और ऐसे चिपका दूं, तो ये चिपका दिया तो अगर इधर से कोई धक्का मारेंगे तो, या प्रेशर से करेंगे तो गिर जाएगा। तो एक्रोडोंट टूथ बहुत जल्दी से रिमूव हो जाता है, और यूजुअली जिन एनिमल्स के एक्रोडोंट होते हैं उनके कैसे होते हैं बच्चा, पॉलीफायोडोंट भी होते। प्लूरोडोंट जो होते हैं वो जैसे कि ये गम है, तो गम में इधर अंदर की तरफ अटैच है, थोड़ा सा एक तरफ, बस एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इधर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये प्लूरोडोंट हो गया। थीकोडोंट में ये गम है, ये दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है ऐसे, तो प्लूरोडोंट में ये टीथ गम के अंदर एम्बेडेड हो गए। प्लूरोडोंट में एक तरफ से एम्बेडेड है, एक तरफ से खुला है, और एक्रोडोंट में ये ऊपर चिपक गया। तो इस तरह से ये टीथ होते हैं डिफरेंट टाइप के। दिस इज ओनली फ्रॉम द रेफरेंस बुक, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम में, नीट में, मेन नीट की बात कर रही हूँ, आएगा तो इसमें से आएगा। हाँ, ये ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको ऑप्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चे टूथ के डिफरेंट टाइप्स। अब अपन एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे बच्चा, वो भी एक्स्ट्रा है, नॉट इन द एनसीईआरटी, जिसको हम लोग कहते हैं टस्क। टस्क बड़े बड़े टूथ होते हैं एलिफेंट के, है ना। तो एक्चुअली मैं ये टस्क बाद में ही पढ़ाती हूँ, पहले मैं टूथ का स्ट्रक्चर करवाऊंगी, तब तुम्हें टस्क पता चलेगा कि टस्क बनते कैसे। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देती हूँ। अगर हम टूथ का स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चा, तो उसको वीडियो पॉज हो गई है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा। सही आ रही है मैम, मैं राइट नहीं कर, रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसमें थोड़ा सा जो छूट गया है वो राइट कर लेना, जगह स्पेस छोड़ दे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चा।
वन इज क्राउन, सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड इज रूट। यानी टूथ के तीन पार्ट्स हो गए, अपर मोस्ट क्राउन सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सेकेंड इज द नेक एंड थर्ड पार्ट इज द रूट। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ बेटा टूथ का, तो इसके अंदर सबसे पहले सपोज ये मैं जॉ बोन बना रही, ये मैंने बना दी जॉ, ठीक है। अब इस जॉ बोन के अंदर मैंने ये बना दी सॉकेट, ठीक है, ये बना दिया सॉकेट। इस सॉकेट में अब प्रेजेंट है इसके टूथ का रूट, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, और ये इनेमल पोर्शन हो गया। मैं इसको थोड़ा और बिगर बनाती हूँ जिससे कि अपन को पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बड़ा दिखाई दे। ओके, तो ये वाला जो आउटर पोर्शन जो विजिबल है इसको कहा जाता है बच्चा क्राउन, और इतना पोर्शन एम्बेडेड रहता है गाम्स में। हमको जॉ बोन दिखाई भी देती बेटा, उसके ऊपर गम्स होते हैं, तो ये वाला पोर्शन गम्स से, जो गम्स से एम्बेडेड है इस पोर्शन को कहा जाएगा नेक, और जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है उसको कहा जाएगा रूट। अब बच्चा इसमें रूट्स में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह, ठीक है। ये रूट्स हो गई, डबल रूट दिख रही है। मोलर्स में हमारे अपर मोलर्स में तीन रूट्स होती है, लोअर मोलर्स में हमारे दो रूट्स होती है। तो ये खैर अभी वो बाद में बताऊंगी, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये रूट्स हो गए। अब बेटा क्या होता है कि क्राउन वाला पोर्शन है ना, इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, अच्छा पहले तो ये देख लो कि टूथ ओरिजिन किससे हुआ है। तो ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से ओरिजिनेट होता है। तो एक्टोडर्म से तो केवल और केवल डेंटाइन ओरिजिनेट होती है, और बाकी पूरा टूथ डेंटाइन के अलावा पूरा टूथ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये चीज याद रख, ठीक है। डेंटाइन आउटर मोस्ट जो, सॉरी सॉरी बच्चा सॉरी, इनेमल आउटर मोस्ट इज इनेमल, आउटर मोस्ट इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है और बाकी सब मीजोडर्मल। तो ये आउटर मोस्ट लेयर मैंने ये बना दिया, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो शाइनी होती है, व्हाइट कलर की होती है, इसको हम कहते हैं इनेमल। एंड इनेमल आप लोगों को पता है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल होता है। अब इनेमल किसका बना है बच्चा, तो इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, उसके साथ में फ्लोराइड। तो एक्चुअली जो स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड होती है वो फ्लोराइड की वजह से, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो बेटा बोन्स भी तो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है। हम कह रहे हैं बोन से भी स्ट्रॉन्ग है, तो बोन से स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करने के लिए या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोराइड। अब बच्चा एक चीज बता रही हूँ, फ्लोराइड इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द इनेमल,
लेकिन अगर कभी पानी में ज्यादा फ्लोराइड होता है, पानी में अगर ज्यादा फ्लोराइड हो जाता है तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अब तो खैर रिवाड़ी में ऐसा नहीं है, पहले आज से 40 years back अगर देखा जाए, मेरी जनरेशन वाले बच्चों में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों में रिवाड़ी के उनके ये दांत के ये येलो येलो दांत हुआ करते थे, उनके आगे का पोर्शन येलो हो जाता था। वो किसकी वजह से येलो हो जाता था? ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। तो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड कॉजेस द मॉटलिंग, MOTTLING, मॉटलिंग ऑफ टीथ। लेकिन स्ट्रेंथ हमें फ्लोराइड से ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आता है, इनेमल से नीचे जो नेक्स्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। तो ये वाली लेयर जो है, ये हो गई बच्चा डेंटाइन। Dentine is also strong and stronger than bone. Dentine भी strong है, bone से तो strong ही है, लेकिन enamel से कम strong है। Enamel से कम strong है, सबसे strongest enamel है, ठीक है जी। अब बात आती है कि इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो portion मैंने बनाया है, this portion, ये पोर्शन जो होता है इसके अंदर टीथ फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, टीथ फॉर्मिंग सेल्स। और ये टीथ फॉर्मिंग सेल्स इनके अंदर जो प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट। ये याद रखना। और अभी टस्क के बारे में भी मैं आपको यही बताऊंगी, ओडोंटोब्लास्ट। Odontoblast are the teeth forming cells, ठीक है जी। अब उसके बाद में ये पूरा part, this one, this is called as pulp cavity. ये क्या कहलाती है? Pulp cavity कहलाती है, ठीक है जी। These are called as root canals. ये root region में, ये इधर तो पूरा pulp cavity हो गई, इस वाले रीजन को कहा जाएगा रूट कैनाल। तो ये पोर्शन हो गया रूट कैनाल। बहुत जगह सुना होगा रूट कैनाल करवाते हैं, रूट कैनाल करवाया डॉक्टर ने, रूट कैनाल करा, है ना। जिनके दांत खराब हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है तो रूट कैनाल करवाते। तो ये क्या है रूट कैनाल एक्चुअली? तो एक्चुअली ये रूट कैनाल है, यहाँ पे से नर्व कुछ फिल करवा लेते हैं। नहीं, वो बताती हूँ। नर्व्स हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। तो यानी कि इस वाले रीजन में नर्व्स आ जाएंगी और ब्लड वेसल्स आएंगी। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स आएंगी जिसकी वजह से ये टीथ जो है वो एक लिविंग माना जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी है और नर्व्स भी है। तो नर्व जो है वो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है, ब्लड वेसल्स जो है वो इन ओडोंटोब्लास्ट सेल को लगातार न्यूट्रिशन देती रहती है जिससे कि वो सेल वो टीथ बनाते रहते हैं। अब बात ये तो हो गया, अच्छा अब ये जो पल्प रूट कैनाल है ना बेटा, क्या होता है कुछ एनिमल में ये रूट कैनाल थ्रू आउट द लाइफ ओपन होती है। ओपन का मतलब हुआ कि ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। तो अगर रूट कैनाल ओपन रही, यानी ओडोंटोब्लास्ट सेल एक्टिव रहा, तो उनके टूथ कीप ऑन ग्रोइंग, उनके टूथ ग्रो ही करते जाएंगे। हमारे अंदर क्या होता है, आप देखते हो बच्चों के छोटे छोटे से होते चूहे जैसे, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो बड़े बड़े थोड़े बड़े दांत हो जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज के होने के बाद उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती। नहीं तो आप सोचो कि अभी ग्रोथ हो रही होती तो मेरे दांत तो ये वाले पोर्शन बाहर तक निकल के आ चुके होते और ये भी ऊपर तक निकल के, कैसे होते हो, ठीक हो, इस तरह से बात करती ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे टूथ एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो रूट कैनाल है ये क्लोज हो जाती है। अब क्लोज होने का मतलब ये नहीं कि उसमें से नर्व्स खत्म हो जाती है या उसमें ब्लड वेसल्स खत्म हो जाती है, नहीं, ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है ये इनएक्टिव हो जाती है।
इसलिए हमारे टूथ का साइज ग्रो नहीं करता एज के साथ साथ। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे आपने सुन देख रखा है एलिफेंट, एलिफेंट के टस्क होते हैं बड़े बड़े, तो वो ऊपर वाले उनके जो ऊपर वाले इंसाइजर्स होते हैं बच्चा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो किस कौन से टूथ के होते हैं, तो अपर इंसाइजर्स। बाकी टूथ की रूट कैनाल ओपन नहीं होती, केवल अपर इंसाइजर्स की ओपन होती है, और वो भी सभी में नहीं होते। आपको बता देती हूँ एलिफेंट के भी दो सब स्पीशीज है, एक टस्क एलिफेंट होते हैं और एक नॉन टस्कर्स। एक जिनके टस्क होते हैं उन्हें टस्कर्स कहते हैं, जिनके टस्क नहीं होते उन्हें नॉन टस्कर्स कहते हैं। इससे थोड़ा सा हटके मैं आप लोगों को बताती हूँ, अफ्रीकन एलिफेंट में मेल और फीमेल दोनों टस्कर्स हो सकते होते हैं। इंडियन एलिफेंट या एशियन एलिफेंट में मेल एलिफेंट ही टस्कर होता है, फीमेल एलिफेंट टस्कर नहीं होती। अब इसका मतलब ये हुआ कि टस्क होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए बेटा, जीन्स होने चाहिए, जेनेटिक मेकअप होना चाहिए ना, तभी तो वो टस्क वाले बनाएंगे। अब ह्यूमन बीइंग एक तरह से सिलेक्शन कर रहा है, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे ना 11th में तब समझेंगे उसको, कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है बच्चा, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ना उसको लेने के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, तो एलिफेंट को मार देते हैं। अब बेटा जब एलिफेंट मर गया दांत लेने के लिए, पोचर्स उसे मार देते हैं। पोचर्स मतलब जो इलीगली उसको हंट करते हैं, पोचर्स ने एलिफेंट को मार दिया, टस्क निकाल लिया। अब वो एलिफेंट जब मर गया है तो वो तो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी टस्क के लिए जो जीन्स है वो तो उसकी डेथ के साथ ही खत्म हो गए। तो अब प्रोजेनी कौन प्रोड्यूस कर सकता है, केवल वो एलिफेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके टस्क नहीं है। तो धीरे धीरे अफ्रीका में भी नॉन टस्कर्स एलिफेंट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और टस्कर्स की कम होती जा रही है। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस सिलेक्शन का कारण है, ह्यूमन बीइंग की वजह से ये हो रहा है, तो इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 12th क्लास में दोबारा से समझाऊंगी जब इवोल्यूशन करेंगे तो, लेकिन आपको सिर्फ ये याद है। तो बच्चा अब बात आती है, ये तो रूट का स्ट्रक्चर हो गया, हमें सेंसिटिविटी कब फील होती है ना, हम कहते हैं कीड़ा लग गया दांत में कीड़ा नहीं लगता। क्या होता है, व्हेनेवर वी हैव फूड, जब भी हम खाना खाते हैं, सम ऑफ द फूड पार्टिकल गेट स्टक हो जाते हैं, या तो इन बिटवीन द टूथ, दोनों टूथ के बीच में, या फिर टूथ में ये कस्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। सपोज ये यहाँ पे एक खाना अटक गया, रख गया, हमने कुल्ला नहीं करा या ब्रश नहीं करा, ये यही रह गया। हमारा जब मुंह बंद रहता है, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते या रात में हम सो रहे होते हैं, तो हमारा मुंह बंद होता है। देखो बच्चा, वैसे जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में से लगातार सलाइवा रिलीज होता रहता है, और आपको पता है, नहीं पता है तो अभी बताऊंगी, सलाइवा में एक बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, तो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो अभी तो मेरे दांत खराब नहीं हो सकते, लेकिन रात में मैं जब सोती हूँ तो मुंह बंद करके सो रही हूँ, और मैंने अगर खाना खाया और ब्रश नहीं करा रात में, तो क्या होगा, ये फूड के ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे, दे स्टार्ट बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे और फूड को खाने लगेंगे। जब वो फूड को खाएंगे तो दे रिलीज एसिड रिलीज करते हैं। अब वो एसिड क्या करेगा, दो ये इनेमल जो है वो हार्डेस्ट है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा गला देगा, एक या दो दिन में नहीं होता, कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं कैरीज होने में, और 20-25-30 साल लग जाते हैं उस कैरीज को यहां तक पहुंचने, उस कैरीज को पल्प कैविटी तक पहुंचने। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हो और कितना गंदा मुंह रखते हो,
यानी अगर बहुत मीठा खाएं या स्टिकी फूड खाएं और कुल्ला बिल्कुल ना करें और बोले भी ना और चुपचाप बैठे रहे तो कैरीज जल्दी आ जाएगी। तो धीरे धीरे ये आपने 10th में भी पढ़ा था कि ये डिजोल्व होता जाता है, डिजोल्व होके ये यहाँ तक पहुंचा, इसको डेंटल कैरी कह दिया। ये फिर इनेमल को करेगा, इनेमल भी हो गया, ये छेद हो गया बारीक सा, बहुत बारीक होता है, मोटे मोटे छेद नहीं होते, बिल्कुल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ये हो गया। और जैसे ही ये कैरी पल्प कैविटी तक पहुंची, पल्प कैविटी तक पहुंची तो बेटा पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ये नर्व्स। तो जैसे ही हमने कोई फूड खाया वो फूड गर्म ठंडा अंदर जाएगा, अंदर जाते ही नर्व्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करते ही हमको एकदम से जिसको कह देते हैं हिंदी में चीज चल गई, इंग्लिश में कहा जाता है सेंसिटिविटी, वो अपीयर हो जाएगी और एकदम से दांत में दर्द होएगा नर्व्स की वजह से, वो सेंसेशन लेगी, हॉट की भी कोल्ड की भी, तो पेन होता है, तो उसे कहा जाता है डेंटल केस।